नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ सूरज कुमार बौद्ध जी हैं जो हमेशा बहुजनों की आवाज़ उठाते रहते हैं। भगवान परमात्मा अल्लाह जिसे बोलते हैं, वो उसने इंसान को जन्म दिया और इंसानों ने छूत अछूत बना दिया, जिसके अंदर दलित वगैरह सब लोग आते हैं। तो दलित और अछूत कहाँ से आए वो बताएं। सबसे पहले आपको शुक्रिया, और आपने एक बड़ी बात कही कि भगवान अल्लाह परमेश्वर जो भी है उन्होंने इंसान को बनाया है। ठीक है, लोगों का अपना मत है, हालांकि मैं इस मत से भी असहमत हूँ। मेरा अपना मानना है, जो तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है और प्रकृति का निर्माण नहीं हुआ है, प्रकृति का विकास हुआ है। तो धीरे धीरे प्रकृति का विकास हुआ है, तो धीरे धीरे उस तरह से अमीबा से लेकर इंसानी प्रवृत्ति का विकास हुआ। मुद्दे की बात जो आपका है कि अछूत कहाँ से आए हैं, तो देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जब इंसान का विकास हुआ, जब से आपने कक्षा 8 की किताब में पढ़ा होगा मानव का विकास कैसे, होमो सिम्पियस क्रोमैग्नॉन माउंट से लेकर जो मानव का विकास होता है, कभी बंदर की प्रजाति से लेकर धीरे धीरे इंसान की प्रजाति का बना, यानी कि इंसान भगवान ने नहीं बनाया अचानक में, इंसान को ईश्वर ने नहीं बनाया, इंसान का धीरे धीरे विकास हुआ। जब इंसान का विकास हुआ तो उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया, तो सीधा सवाल है कि इसको हिंदू धर्म शास्त्रों ने बनाया है। हिंदू धर्म शास्त्रों ने इसलिए बनाया चूंकि उनको यहाँ पर शासन करना था। बाबा साहब जब बोलते हैं कि हुवर सुद्रास नामक किताब में किस तरह से आर यहाँ से आते हैं और यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाते हैं, गुलाम बनकर के उन्होंने अपने शासन के लिए चार वर्ण बनाया। चार वर्ण में उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताया, जो चौथा वर्ण था उसको उन्होंने शूद्र बनाया। एक और कैटेगरी बनाई जिसको वर्ण के काबिल भी नहीं समझा, जिसे अछूत कहा जाता था। ज्योतिबाराव फूले साहब अपने शब्द में शूद्र अति शूद्र यानी शूद्रादि कहते थे वो, तो शूद्र और अछूत बनाया। तीनों ने शासन करने के लिए धर्म का डर दिखाया, और धर्म का डर दिखा करके इन्होंने भगवान नाम की एक प्रजाति को पैदा किया। भगवान नाम की प्रजाति के आधार पर इन्होंने जातियों को अनेक प्रजाति में बदला, और जातियों को अनेक प्रजाति में बदल करके इंसानों को उसके जाति के आधार पर तय कर दिया, उसकी सामाजिक स्थिति, उसके बाई बर्थ उन्होंने स्टेटस डिफाइन कर दिया। उसके हिसाब से इस देश में छुआछूत का आरंभ हुआ कि इस व्यक्ति को छुओगे तो ये अपवित्र हो जाएगा। दरअसल ये जो रक्त शुद्धता का सिद्धांत है, ये बड़ा खतरनाक है। हिटलर रक्त शुद्धता के सिद्धांत के आधार पर न जाने कितने लोगों की हत्या करवा दिया, लाखों लोगों को गैस चंबर में भरवा भरवा करके मरवा दिया। इसी में भारत में जिस तरह से मनु ने रक्त शुद्धता का सिद्धांत बनाया है, इस रक्त शुद्धता के सिद्धांत ने ही जातिवाद को पैदा किया हुआ है। ठीक, आपके मन से सूरज जी जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि जो इंसान है, इंसान को इंसान ने ही पैदा किया है, जीव जीव को ही पैदा करता है, ना कोई अवतार से होता है, ना कोई मैल से पैदा होता है, ना कोई किसी चीज़ से पैदा होता है, सिर्फ होता है तो एक सिस्टम से पैदा होता है, और इसके अंदर जो जाति भेद जो बनाया है वो सिर्फ हम लोगों ने बनाया है अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से। तो इसीलिए बहुजनों को इस बात को समझना होगा कि कोई अवतारित यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आता है, तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।